Happy Friendship Day. स्माइल के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, स्पेशली जब बच्चों के बच्चों सेंट्रिक कॉज होती है तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है. हाय हाय. एंड आई थिंक रिसेंटली हाँ हमारा एक ऐसे ही शो RampChamps बैंगलोर में भी हुआ था एंड आई वाज देयर फॉर दिस कॉज क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं. एंड बेसिकली ये जो RampChamps है इट इज़ स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट द सोसाइटी ताकि लोग आके सामने बच्चों के लिए ये लोग फंड्स इकट्ठा कर सके फॉर द एजुकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रन. आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉज. थैंक्स टू हर अर्चना. अर्चना कोचर हाँ देखिए ये इस फाउंडेशन ने काफ़ी क्रेडिबिलिटी पाई है क्योंकि ये काफ़ी अरसों से बहुत चीज़ें कर रही हैं बच्चों के लिए. तो आई एम श्योर कोई ना कोई वजह तो होगी. कंसिस्टेंटली इनके एफर्ट्स हैं फॉर सम बच्चों के लिए हो या उनके एजुकेशन के बच्चों के एजुकेशन के लिए हो या कोई भी चीज़ के लिए. तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं. आई थिंक माई होल एस्पेक्ट एंड मतलब एट लुकिंग टूवर्ड्स द वर्ल्ड जो एक होता है वो आफ्टर मदरहुड चेंज ही हो जाता है. आई हैव ऑलवेज लव चिल्ड्रन बट द कंपैशन फैक्टर एंड कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हो ही जाते हैं. मदरहुड इज़ ब्यूटिफुल. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट रोल्स दैट आई हैव प्लेड इन माई लाइफ. एंड रियाना वॉज हियर अभी थोड़ी देर तक बट नाउ आई सेंट हर होम. बहुत ही अच्छा लगता है. आई मीन आई रियली लव बेगम माधव. या आफ्टर ऑल क्वाइट सम टाइम आई हैव साइंड अ फिल्म और वी स्टार्ट शूटिंग फॉर इट एंड ऑफ दिस ईयर. आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक बहुत ही डायनामिक और स्ट्रॉन्ग पावरफुल रोल है. द फिल्म इज इट्स अ रिवेंज स्टोरी और मुझे स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी लगी तो इसीलिए मैंने क्योंकि मैं 3-4 साल बाद आ रही हूँ तो आई जस्ट नीडेड समथिंग रियली सुपर फॉर अ कमबैक. देखिए भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं. आई कंसिडर माई सेल्फ रियली आई थिंक आई एम वन ऑफ द प्रिविलेज्ड वंस एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स. आई एम कंटेंट विथ व्हाट आई हैव इन लाइफ. तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से अगर कुछ भी ऐसी मैं चीज़ कर सकूँ विच आई कैन गिव बैक टू सोसाइटी. एंड ये हमारी कल की यूथ है. ये बच्चे आई थिंक दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट जो भगवान ने हमको दिए हैं. दे आर द मोस्ट नेचुरल इनोसेंट बींग्स. सो इन बच्चों के लिए मैं जितना कर सकती हूँ करना चाहूँगी. आई थिंक फ्रीडम इज़ I think it's all in the mind. So I consider myself a free spirit and wish you all a very happy Independence Day. Like to educate people about the fact that girl children are important and they need to be educated
it's just a huge honor to be a part of this. You know, very rarely does an actor get an opportunity to contribute through the work that they do. And over here, the contribution that actors are making is through the time that they're giving to an event like this. And it's because of the limelight that actors bring to this event that the funds are gathered. So I think the minute they said that it's for these kids that are standing with us at the moment, wave the camera, guys. Us taraf. That one. Yeah, the minute they said that kids are going to be involved, it was a no-brainer for me. Aaj jo hai, actors ramp par chalne wale hain. Jaise ki main keh raha tha, bahut kam avsar milta hai abhinetaon ko ki wo samaj mein, society mein kuch contribute kare, apna waqt de uske liye. Main bahut deta hoon. Meri matlab meri jitne behne hain, jitne dost hain. महिलाओं को इज्जत देना और उससे ज़्यादा महिलाओं को शिक्षा देना मेरे ख्याल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम स्माइल फाउंडेशन के लिए आज वॉक मैं उसको उठाऊँ क्या बोला बड़े वेरी गुड थैंक यू सो मच वेल यू कैन सी वी हैव गॉट टू डॉटर्स ऑलरेडी एंड आई थिंक देयर आर नो रियल वर्ड्स एंड प्रेशर ऑफ लाइफ टू हैव सच daughters, I think they're the best thing to happen in the world. Yeah. And it's, I mean, there are no words to describe the feeling, apparently. Tell us something about the evening. What made you all get to this location that you find the idea of supporting a girl child was more exciting. Yeah. They support the girl child, their education, their well-being, so that's the reason. And we have two girls, so we are more emotionally connected to it. I think it's a good cause, and yeah. I think I believe in promoting, you know, women empowerment and girls especially. I think it's a blessing, and what Smile is doing, it's a good job at the end. Well, exactly. I mean, जो mood होता है उसके हिसाब से चलते हैं. And I think there's fashion, I think it's something that you always have to be confident about. And I don't see any reason why we find it any different. I think it's we are comfortable with it. Abhi, I just finished a film with Ram Gopal Verma. Hopefully, it will come out in the next 3 months. Thank you.